स्वागत बाटे रउआ सबके हमारे खास प्रोग्राम ओ वुमनिया में। ए प्रोग्राम में हम बताई ले फिल्म इंडस्ट्री या स्टार लोग से जुड़ल कुछ तमाम खबर के जजलना के बाद रउआ सबके होखेला बहुत खुशी। प्रोग्राम के अंत में हम दर्शक लोग के मैसेज भी बताई ले जे हर कोई भेजेला आपन आपन फेवरेट स्टार खातिर। तो चलिए शुरुआत कर जाओ, जाना जाओ पहला खबर जे पवन सिंह आ अक्षरा सिंह से जुड़ल बाटे। पवन सिंह आ अक्षरा अपन जोड़ी का साथे कई साल के सफर तय कैले बा लोग। आ इस सफर का जरिए कई सारा सुपरहिट फिल्म उ लोग इंडस्ट्री के भी दिलक, दर्शक लोग के भी दिलक। आ यही कारण बाटे कि दोनों लोग के एगो खास जगह दर्शक लोग का जहन में बनल बा। हालांकि कुछ महीना से दोनों लोग अब अलग अलग काम कर रहल बा, लेकिन एक गाना रो सबके बहुत जल्द एक ही जोड़ी में के देखे के मिली, माँ तुझे सलाम में के। लेकिन ये गाना रिलीज भइला का बाद से ये खबर सोशल मीडिया पर रउआ सब जरूर देख ले हो कब कि गाना पवन अक्षरा के आखिरी गाना हो। हम मान सकीले कि आज से दो महीना ले चार महीना ले ये लोग काम ना करी, लेकिन हो सका था साल बाद एक साथ फिर से नजर आओ लोग। कर की देखें खेसारी का साथ भी अक्षरा के मनमुटाव भइल रहे। आ खेसारियों ये बात कहले रहें कि भाई हो सका था दिलवाला फिल्म हमारा अक्षरा के आखिरी फिल्म होगी, लेकिन साल बाद फिर से वो काम कर रहल बा लोग दोनों लोग बबुआ बवाली फिल्म में। तो आखिरी गाना कहल ए गाना के ठीक नहीं थे, काहेकि हो सकता आगे चल के दोनों लोग अरे वो सबके साथ नजर आ जाओ लोग। तो फिलहाल हमें दोनों जोड़ी से जुड़ल वो खास खबर वो सबके आगे दिखाएं। बढ़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो निधि झा से जुड़ल बटे। निधि झा के फिल्म बिहार के हर राज्य में धमाल मचा रहल बा। फिल्म के जबरदस्त दर्शक लोग के रिस्पॉन्स मिल रहल बा। हाल ही में सीतामढ़ी से जुड़ल निधि झा के कुछ तस्वीर आयल जिनमें वो पूरा दर्शक लोग से घिरल बड़ी। सीतामढ़ी में निधि झा के डंका बाजाता उनका के देखे खातिर उनका से मिले खातिर हजारों के संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई। जहाँ वहाँ से निधि काफी सारे सेल्फी दर्शक लोग का साथ ले ले बड़ी। इतना भीड़ नीचे इकट्ठा हो गल रहे कि एगो छत पर जाके सब कोई से कहले बड़े कि भाई हमारे फिल्म जरूर देखे हम लोग। तो निधि जाके यही पॉपुलरिटी से भी जुड़ल एगो खबर हम लोग सबके आगे दिखाएं। फिलहाल बड़े के आगे जान लेवे के अगला खबर जो जुड़ल बा युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू से। कल्लू के फिल्म राजतिला के शूटिंग पूरा हो गई बा। पोस्ट प्रोडक्शन के सिर्फ कुछ काम बाकी बटे, फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकता। ये फिल्म में कल्पना पटवारी अपन आवाज में कई सारा गाना गैले बड़ी जो वो सबके देखे में अच्छा लगी, सुने में अच्छा लगी। ये बात के खुद रजनीश मिश्रा ही बतौले बड़े कि पोस्ट प्रोडक्शन के खाली कुछ काम बचल बा। तो भाई पोस्ट प्रोडक्शन के बाद ट्रेलर वो सब देख ले हम लोग, एक पारिवारिक फिल्म बने जाता है, एक राजघराना जैसन फिल्म बने जाता। हालांकि राजतिलक गुंडागर्दी से भी भरल बटे, एक्शन से भी भरल बटे, लेकिन बहुत सीन पारिवारिक भी रवो सबके देखे के मिली। तो राजतिला के शूटिंग पूरा होखला के खुशी में एगो खास खबर हम रवो सबके आगे दिखाएं। फिलहाल बढ़े के आगे जान लेवे के अंतिम खबर जो खेसारी लाल से जुड़ल बटे। खेसारी लाल के फिल्म हमेशा से व्यूज का मामला में ना सिर्फ सिनेमाघर में बल्कि सोशल मीडिया पर भी धमाल मचावेला। खेसारी के फिल्म संघर्ष के ट्रेलर आ गाना के इतना प्यार मिला था जेकरा के क्या कहल जाओ। संघर्ष के ट्रेलर से लेके एक एक गाना के भी दर्शक लोग बहुत प्यार देता। ए प्यार के पाके हाल ही में खेसारी लाल लाइव अल आ दर्शक लोग के धन्यवाद दिले बड़े कि वो ए फिल्म के बहुत महत्व देता लोग। काहे कि फिल्म भी एगो महिला प्रधान फिल्म पर आधारित फिल्म बटे ऐसन खेसारी के कहना बा। लेकिन फिल्म जब रिलीज होगी तभी तो पता लगी। आ ट्रेलर से भी पता लगा था कि लड़की के विरोध खेसारी के बाबूजी यानी अवधेश कर रहल बड़े फिल्म में खाली। लेकिन फिलहाल अभी तक जो भी खबर हम लोगों सबके बताइले बनी वो विस्तार इत्मीनान आराम से जाने खातिर डाली नजर। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार पवन सिंह इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक के बाद एक पवन कई सारी फिल्मों को लेकर आने भी वाले हैं। लेकिन हाल ही में पवन की फिल्म माँ तुझे सलाम रिलीज होने वाली है 6 दिनों के अंदर यानी 10 अगस्त को। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पवन अक्षरा की इस फिल्म का एक ऐसा गाना रिलीज हुआ है जिसे आखिरी बताया जा रहा है। जी हाँ, दरअसल माँ तुझे सलाम फिल्म का गाना धई आवा जवानी लॉकर में रिलीज हुआ है बीते दिन पहले, जिसे पवन अक्षरा का आखिरी गाना बताया जा रहा है। क्योंकि इसके बाद से पवन ने अक्षरा के साथ ना तो कोई फिल्म साइन की है और ना ही दोनों की जोड़ी से बना या आवाज से बना कोई गाना या फिल्म रिलीज हो रही है। लेकिन जिन लोगों को ऐसा लगता है कि सच में ये दोनों की जोड़ी का आखिरी गाना है, तो बता देना चाहेंगे कि खेसारी ने भी लाइव आकर एक बार ये बात कही थी कि अक्षरा के साथ दिलवाला उनकी आखिरी फिल्म होगी, लेकिन हुई नहीं। साल भर बाद फिर से दोनों एक ही फिल्म बबुआ बवाली करने जा रहे हैं। इसलिए ये फिल्म इंडस्ट्री है, यहाँ कब किसके रिश्ते, कब किसका मन किससे जुड़ जाए और कब किसके दोस्ती के तार फिर से तुड़कर जुड़ जाएं, ये कहना बड़ा मुश्किल है।
इसलिए हो सकता है आज दोनों ने एक साथ कोई गाना या फिल्म ना किया हो, लेकिन एक साल के बाद फिर से वही पवन अक्षरा हो सकता है वापस से फिल्मी पर्दे पर वापसी भी कर लें। वेल, फिलहाल दर्शक इस गाने को 18 घंटे में 5 लाख से ज्यादा बार सुन चुके हैं। भोजपुरी सिनेमा की लूलिया गर्ल निधि झा इन दिनों अपनी फिल्म गैंगस्टर दुल्हनिया को लेकर चर्चाओं में है, क्योंकि एक तरफ जहां इस फिल्म के रिलीज होने से पहले टीजर, ट्रेलर और गाने पॉपुलर थे, तो वहीं दूसरी तरफ अब फिल्म रिलीज होने के बाद सिनेमा घरों में दर्शक जो देखकर फिल्म को बाहर आए हैं उनके मुंह से भी खूब तारीफें सुनने को मिल रही हैं। और इस फिल्म के प्रमोशन में भी निधि जबरदस्त तरीके से व्यस्त हैं। दरअसल निधि झा अपनी फिल्म को देखने के लिए बिहार के सिनेमाघरों में पहुंची। फर्स्ट डे फर्स्ट शेड्यूल देखने के बाद सीतामढ़ी पहुंची निधि अपने हीरो गौरव झा के साथ। सीतामढ़ी के सिनेमाघर में जहां उनसे मिलने के लिए हजारों की संख्या में देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। देख ही पा रहे होंगे आप लोग इन तस्वीरों में कि निधि से मिलने के लिए कितनी भीड़ उनके इर्द गिर्द लगी हुई है। वेल, रही फिल्म की बात तो यश के साथ फिल्म टकराने के बावजूद दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स पा रही है। भोजपुरी फिल्मों के युवा स्टार अरविंद अकेला कल्लू इन दिनों अपनी कई सारी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक के बाद एक कल्लू कई सारी फिल्मों के जरिए आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में आने भी वाले हैं। जी हां, दरअसल इन्हीं में से एक चर्चित फिल्म है राज तिलक, जिसकी शूटिंग मुंबई गुजरात के खूबसूरत लोकेशंस पर की गई। राज तिलक फिल्म में कल्लू के कई सारे अवतार नजर आने वाले हैं। कल्लू के अलावा अवधेश मिश्रा और इंडस्ट्री के दिग्गज से दिग्गज विलन से लेकर हीरो तक नजर आएंगे। ये एक पारिवारिक और एक्शन से भरी रियलिस्टिक फिल्म है जो पोस्ट प्रोडक्शन के फेज में चल रही है और जल्द ही रिलीज होगी। इस फिल्म के कई सारे गानों में कल्पना पटवारी ने अपनी आवाज दी है, जो बेहतरीन गाने हैं जिन्हें दर्शक सुनकर पसंद करेंगे। इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई, पोस्ट प्रोडक्शन का काम भी अंतिम चरण पर है, तो जाहिर सी बात है फिल्म जल्दी सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है। ऐसा किसी और ने नहीं बल्कि फिल्म डायरेक्टर रजनीश मिश्रा ने खुद कहा है। जी हाँ, रजनीश मिश्रा जल्द ही राज तिलक फिल्म को रिलीज करेंगे। पहले इस फिल्म को एक बार दशहरे के मौके पर रिलीज करने की खबर सामने आई थी, लेकिन अब हो सकता है दशहरे से पहले भी ये फिल्म रिलीज हो जाए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और अपनी गायकी से खास पहचान बनाने वाले खेसारी लाल इन दिनों खूब चर्चाओं में हैं, क्योंकि एक तरफ जहां खेसारी की फिल्म संघर्ष का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जल्द ही फिल्म भी रिलीज करने की योजना है, तो वहीं दूसरी तरफ विवादों से खेसारी का नाम थामने का नाम नहीं ले रहा। जानकारी के लिए बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले खेसारी की फिल्म का ट्रेलर एक सप्ताह हुआ है रिलीज हुए हुए, और अभी तक इस फिल्म के ट्रेलर को 4 मिलियन लोगों ने देख लिया है। तो वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म का एक गाना भी कुछ दिनों पहले रिलीज हुआ ऑडियो सॉन्ग के रूप में। इस गाने के बोल हैं देखी सुघराई। इस गाने में काजल राघवानी खेसारी के साथ नजर आएंगी, जिसे 1.2 मिलियन लोगों ने देख लिया है। इसके बाद रितु सिंह के साथ भी खेसारी का एक धोल बड़ू दूत से गाना रिलीज हुआ, जिसे 5,48,000 लोगों ने देख लिया। दर्शकों का इतना प्यार पाकर खेसारी को मजबूर होना पड़ा और मजबूर होकर वो लाइव भी आए। दरअसल खेसारी इस ट्रेलर और गाने के व्यूज बढ़ने के बाद लाइव आए थे, जहां उन्होंने इस फिल्म की खूब तारीफ की है और दर्शकों से ये अनुरोध भी किया है कि जिस तरह से ट्रेलर को प्यार दिया है, जिस तरह से गानों को प्यार दिया है, उसी तरह से इस फिल्म को भी सिनेमाघर में ज्यादा से ज्यादा प्यार दें। तो ये रहे आज के कुछ ताजा खबर। चले के समय हो चुकल बा, अगला प्रोग्राम में फिर से होके मुलाकात ऐसे नहीं इंडस्ट्री से जुड़ल खबर का साथ। लेकिन जाए से पहले हम बताई लेगो मैसेज जे प्रमोद यादव लिख ले बड़े कि मैं खेसारी लाल यादव का बहुत बड़ा फैन हूँ। उनको लेकर जो भी खबरें आजकल दिखाई दे रही हैं वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि खेसारी एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत पॉपुलर है। इन बातों का कोई असर नहीं होगा मेरे खेसारी भैया पर। तो अगर सुन रहा बड़े खेसारी तो गौर ज़रूर फरमाएं। और एक औरों मैसेज आइल बटे पवन सिंह खाते कि पवन सिंह नाम ना बताएं लेकिन खाली मैसेज ही कहले बड़े कि पवन सिंह से कहीं कि अपन मुँह छा बाल के स्टाइल चेंज कर ले हो। तो अगर सुन रहा बड़े पवन तो गौर जरूर फरमाएं। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अगला प्रोग्राम में फिर से होके मुलाकात ऐसे ताज़ा तरीन खबर और नया नए मैसेज के साथ। लेकिन तब तक खातिर हमरा के दी इजाज़त, प्रणाम। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।